अस्सलाम वालेकुम बॉयज, वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक से मज़े में होंगे। तो बॉयज शुरू हो चुके आज का दिन, एक और वीडियो जो भाई की मोटिवेशन है डेली व्लॉग सी, वो बहुत अभी तक बहुत अच्छे से जा रही है और वीडियो पे वीडियो बन रही है, ऑलमोस्ट डेली व्लॉगिंग हो रही है कोई एक से दो दिन छोड़कर। तो बॉयज सीन क्या है, ज़्यादा लंबी नहीं करते, आपको बात समझाते हैं कि आज के वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा। तो भाई सीन कुछ इस तरह का है कि बेबी 140 की आ रही है एक बार फिर से न्यू लुक, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल जल्द आप लोगों को देखने के मिलेंगे बहुत मजे मजे के व्लॉग, बहुत मजे मजे की वीडियोस जो के हैं बेबी 140 की न्यू लुक पर। हमारे पीछे आप अब इस टाइम बेबी 140 को देख सकते हैं और बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह, बिल्कुल सिंपल क्लीन नीट एंड क्लीन लुक, क्रिस्पी क्लीन लुक जो होती है ना फिलहाल वो है गाड़ी की। अच्छा बॉयज सीन कुछ इस तरह का है कि हम ढूंढ रहे हैं बेबी 140 के लिए एक अदद कॉलोवर्स, एक अच्छे से कॉलोवर्स जो कि हम तकरीबन कुछ अर्सा गाड़ी को, इंशाल्लाह पहले ये होता था कि हम शो पे तैयार करते थे और शो के बाद डेली ड्रिवन में जब मैं करता था तो उसको मैं स्टॉक सस्पेंशन पे कर देता था, रिम्स वगैरह स्टॉक लगा देता, मतलब गाड़ी को हम स्टॉक कर देते थे। लेकिन इस बार मज़े की बात ये है, कंटेंट भी ज़्यादा आएगा, मज़ा भी ज़्यादा आएगा, लुक भी एक दो आएंगी और गाड़ी को हमने कुछ टाइम के लिए जिस तरह हमारी गोल्डी रहती थी ना तैयार उसी तरह से रखेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए एक अच्छे से कॉयलवर्स, जो हमारे पिछले कॉयलवर्स थे 3 से 2 वे वो हमने सेल कर दिए थे, क्योंकि एक तो वो 2 वे था उन पर वो चीज़ चस नहीं आ रही थी। मुझे चाहिए 3 वे कॉयलवर्स और वो मैं कुछ दिनों से तलाश में हूँ कि मुझे कहीं से अच्छे कॉयलवर्स मिल जाएँ, RSR या किसी भी और कंपनी के, RSR के ज़्यादा से उन्हें अच्छे कॉयलवर्स होते हैं। खैर बॉयज़ कॉयलओवर्स की जो डिटेल्स हैं वो आप लोगों को आगे व्लॉग में दूंगा एंड व्लॉग का टाइटल है हाउ नॉट टू बाई कॉयलओवर्स, यूज़ कॉयलओवर्स बेसिकली, ठीक है। तो आप लोगों को आज बताऊंगा कि अगर आप लोग भी यूज़ कॉयलओवर्स ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चेक करना पड़ता है, क्या डिटेल्स हैं कॉयलओवर्स में, डिफरेंस क्या है 2 वे 3 वे एंड 4 वे में। तो बस चलते हैं एक कॉयलओवर्स जाकर देखने, बाकी बातें आप लोगों से गाड़ी में जाके करते हैं, आपको समझाते हैं व्लॉग और चैनल सब्सक्राइब कर दें, मोटिवेशन में इजाफा कर दें। तो डेली व्लॉग्स और बेबी 140 की न्यू लुक इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द देखने को मिलेगी। लेट्स गो बॉयज, लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। ये देखने बॉयज आपकी और मेरी प्यारी फेवरेट बेबी 140 जो कि इस टाइम बहुत ही खूबसूरत साफ सुथरी से लुक में, क्रिस्पी क्लीन लुक में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह न्यू लुक कमिंग सून बॉयज, न्यू लुक कमिंग सून। तो क्या बॉयज आप लोग भी एक्साइटेड हैं इसकी न्यू लुक देखने के लिए, क्योंकि आपका भाई बहुत एक्साइटेड है, क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा था कि इसकी कोई भी प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट लेने से पहले एक दफ़ा इसकी एक नई लुक की जाए। जो कमियां पहले 2 लुक्स मैंने नहीं दी उसमें जो कमियां रह गई थी वो हम कमियां पूरी कर पाएँ, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा बड़ी डिफरेंट और मज़े की लुक आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड बॉयज, ब्लॉग से साथ जुड़े रहें ताकि आप इसकी कम्प्लीट न्यू लुक की जर्नी देख पाएँ। माशा अच्छा बॉयज, तो सीन कुछ ऐसा है कि फ़िलहाल साथ में हमारी यूनिवर्सिटी का भी टाइम है, जैसे कि हर व्लॉग में मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो यूनिवर्सिटी का टाइम भी होने जा रहा है, तकरीबन 3 बजने वाले हैं, तो मुझे यूनिवर्सिटी भी पहुँचना है। तो अगर तो पहले टाइम मिल गया तो वेल एंड गुड, हम जाते हुए हो लेंगे, वरना फिर यूनिवर्सिटी से फ्री होके तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको शाम में। तो फिर जाते हैं जी बेबी 140 के लिए न्यू कॉयलओवर्स देखने, तो मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी बॉयज आफ्टर 2 डेज वेलकम बैक, व्लॉग हमारा जो है थोड़ा सा लंबा हो गया, जो कि परसों मैंने स्टार्ट किया था लेकिन बीच में मिड्स वगैरह की वजह से बिजी हो गए। तो आज ही हम फाइनली यूएमडी बॉयज फाइनली जी दानी भाई के पास आ चुके हैं और इनके पास हमने मंगवाए हुए थे जी एक अदद ये कॉयलओवर्स। और भाईजान क्या सीन है इनका? कन्फर्म है? अच्छा दानी भाई पहले आप ये बता दो यार, जरा 2 वे 3 वे और 4 वे में क्या फर्क है जरा? यार 4 वे में जो लड़के चाहते हैं ना फ्रंट से कैमर, लाइट से कैमर चला था, तो 4 वे में ठीक है, लेकिन बेस्ट जो मैं कहूंगा ना, लेकिन 4 वे में होता वो कैमर वैसे ना होने बराबर ही है, नाम कहीं होता है ना। मैं आपको बता देता हूँ, लड़के कहते हैं फ्रंट से आपने वो कैमर कर लिया, उससे आप फ्रंट के शॉक अब्सॉर्बर के ऊपर ना वजन बहुत ज्यादा डाल दो, जोर बहुत ज्यादा डालो, जिसकी वजह से आपका शॉक लीक हो जाता है। इंस्टॉल करो आगे से कैमरा में फर्क क्या होता है? और 2 वे में सिंपल ऊपर नीचे, सिंपल ऊपर। अच्छा जी कॉयलओवर चेक करने की भाईजान थोड़ी सी डिटेल देते हैं, कॉयलओवर कोई भी यूज कॉयलओवर जिसने खरीदना है उसको चेक कैसे चेक किया करे वो? सबसे पहले तो चेक कर ले उसकी हालत क्या है,
ठीक है उसके बाद चेक कर ले कि जो सा इसका ये जो सा शॉक है ये फ्री तो नहीं है ज्यादा, क्योंकि जब लीक हो जाता है ना, लीक होने के बाद इसके अंदर प्रेशर नहीं होता, तो ये आप थोड़ा सा भी प्रेशर डालते हो ना, ये देखो जैसे ये है ना, ज्यादा प्रेशर डालने पे नीचे जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता ही ऊपर आएगा, ये इसी तरह ही होना चाहिए। अगर आपका ये एब्जॉर्बर खराब होगा ना, अब थोड़ा सा प्रेशर डालोगे प्रेस हो जाएगा और ऊपर ही नहीं आएगा, ऐसे ही है। ये चीज होती है इसके अंदर, ठीक है। और उसके अलावा लीकेज देखनी होती है, जो जेन्युइन स्प्रिंग्स आते हैं ना वो इस तरह होते हैं, हाफ कटिंग में होते हैं ताकि बिल्कुल माउंट ऊपर और नीचे से बिल्कुल अच्छी तरह बैठते हैं, फ्लैट होते हैं। जो स्प्रिंग कटा होगा वो यहाँ से काटेंगे, ज्यादा लोग करने के लिए होती है स्प्रिंग होते भी वो छोटे क्या मोस्टली बीच में काट के फिर रहे होते हैं, वो आपको पता चल होगा यार, वैसे भी रिस्की होती है करोला में, तो मैंने सुना है वो निकल भी जाता स्प्रिंग है ना, निकल जाता है टायर के अंदर। हाँ तो जी फिलहाल ये कॉइलवर्स की सिचुएशन है, अभी नजर मार ली है, बाकी फाइनल करते हैं इंशाल्लाह जिस भाई के हैं, तो इधर उन्होंने कहा देख लो वर्कशॉप पे इनके साथ डील करते हैं, फिर आप लोगों को अपडेट करते हैं। फिलहाल जी दादी के गैराज की बात करें तो इनका जी सीजी मोटर स्पोर्ट्स के नाम से, ये दादी ये रोड कौन सा भला, ये रोड कौन सा, लोकेशन क्या है भला? यार ये शादेवाल रोड है, शादेवाल रोड, केक्स एंड बेक से साथ रोड अंदर आता है शादेवाल चौक से, वहाँ पे इनके पास ये सबसे पहले ये कौन सी चेसिस है भजन, ये यार मार्क 1 68 की लेफ्ट एंड ड्राइव, और ये कंप्लीट रिस्टोर हो रही है, इसका इंटीरियर सारा बाहर से आ रहा है। अच्छा खूबसूरत, तो पुराने काफी प्रोजेक्ट प्यारे प्यारे यहाँ पे रिस्टोर हो रहे हैं, ये कौन सी चेसिस है, ये मार्क 1, मार्क 1 ये मेरे ख्याल से वो इम्पोर्टेड है, ये लोकल है, लेकिन ये क्या खूबसूरत गाड़ी है जिनकी भी है, इंटीरियर इसका कम्प्लीटली रिस्टोर हुआ है, कम्प्लीट इंटीरियर है, सब कुछ इसका दोबारा रीपेंट हो रही है और सारी चीज़ें यहाँ पे जी। एक अदर ईके हमें देखने को मिलती है माशाल्लाह, खूबसूरत ब्लैक पेंट के साथ ब्लू पर्ल्स के अंदर गाड़ी पेंट हो रही है, आप देख सकते हैं, और ये अभी अभी फ्रेश पेंट हुई है कुछ आने से मेरे 10-15 मिनट पहले, और साथ में जी ये सतरंगी ईजी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर इसका भी गाड़ी का। ये को 3-4 टोन्स हैं, और साथ में ये EF जो के दानी, ये वही वाली EF है पुरानी, वो जो सी तैयार होती फिरती थी वाइट वाली, होंडा डे पे गई थी, अच्छा जी क्या बात है, क्या याद आ गया, इस तरह के तुमने बेचे थे, अच्छा वो वाइट वाले, हाँ वो इस तरह के थे, इनका RP01। तो ये जी सिचुएशन है, बाकी अब कॉइलवर्स का फाइनल करते हैं फिर अपडेट करते हैं आप लोगों को जी। सो बॉयज ये जो हमारे व्लॉग हैं ये काफ़ी लंबे जा रहे हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन पे हो रहे हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं जी ढूंढने में बिजी हूँ चीज़ें अपनी गाड़ी के लिए, एज सून एज पॉसिबल मुझे सॉर्स होंगी मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगा। मैं ज़्यादा लटकाना नहीं चाह रहा था क्योंकि ताकि मैंने कहा जो जो चीज़ें मतलब एक एक ब्लॉग में मैं दिखाऊं उसमें अगले में रिवील करूं, मतलब फाइनल स्टेप्स पे, ये नहीं कि जी आज ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हफ्ते 10 दिन भी लग जाते हैं ऐसी चीज़ें ढूंढने को, रिम्स कॉइलवर्स ये वो सब कुछ ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है। सो बॉयज़ अपनी कोशिश जारी है, और अगर आप लोगों में से किसी के पास भी करोला के कॉइलवर्स 3-way फॉर सेल हों, या कोई करोला के लिए रिम्स और इस तरह के टायर और ये वो कोई सामान आपके पास भी फॉर सेल पड़ा हुआ है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जी जो अभी कॉइलवर्स हमने देखे थे उनका सीन ये है कि मैंने भाई को ऑफ़र दी थी अपनी, जो मुझे समझ आते थे वो थोड़े से हाई प्राइस थे, जो मुझे समझ आ रहे थे जो मैंने एक बेस्ट रेट, एक जो एग्जैक्ट रेट चल रहा है मार्केट, मैंने कोई पैसे नहीं तोड़े कुछ नहीं किया, जो एग्जैक्ट मार्केट रेट इस टाइम RSR का 3-way कॉइलवर्स का चल रहा है मैंने उनको वो ऑफ़र कर दी है। अब लेट्स सी वो क्या रिस्पॉन्स देते हैं, अभी तक उन्होंने मुझे नहीं बताया, उन्होंने कहा था असल में वो जिस मेरे फ्रेंड के पास है उसके आगे किसी दोस्त के हैं, तो इस तरह आगे से आगे उसने अब उससे पूछना है कि कितने में देने हैं और क्या दे दूं ये वो, तो इसलिए वो उसको थोड़ा टाइम चाहिए था। अभी अगले व्लॉग में आप लोगों को इंशाल्लाह बताएंगे, अगर तो वो उनके साथ डील होगी तो वेल एंड गुड, वरना हम कोई और ढूंढेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और आप लोग बस चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरे लिए यही काफ़ी है, मेरी मोटिवेशन को इजाफा करने के लिए यही काफ़ी है, और क्योंकि कुछ करना है यार, कुछ कर दिखाना है, कुछ इस यूट्यूब को लेके चलना है, इस सब चीज़ों को जो उनसे है ना थोड़ा आगे लेकर जाना है, अब जो मोटिवेशन है वो रुकने वाली नहीं है, तो होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह आप लोगों की सपोर्ट के साथ ही सब होगा। मैं कुछ भी नहीं कर सकता अगर आप लोगों की सपोर्ट ना होती, अगर आज मेरे इतने सब्सक्राइबर भी ना होते तो मैं टोटली डीमोटिवेटेड होता, मेरे लिए बहुत बड़ा गोल है यार, मेरे लिए बहुत बड़ा एक
ख्वाब था ये जो मैंने अचीव किए हैं। 6-7 हज़ार सब्सक्राइबर भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों के बड़े अरसे के चैनल्स होते हैं, बड़ी मेहनत कर रहे होते हैं और 1000-1500 सब्सक्राइबर तो खैर मेरे लिए काफ़ी हैं, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमने आगे आगे जाना है, तो इसलिए अभी उस लिहाज से बहुत कम है। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, लोग दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा कॉन्टेंट देखना चाहते हैं तो मुझे सपोर्ट करें। लेट्स सी क्या बनता है, क्या होता है आगे ज़िंदगी में, क्या है करने को। तो अभी फ़िलहाल जुम्मे का टाइम हो रहा है, तैयार शुरू हो चुके हैं, जुम्मा पढ़ने जा रहे हैं। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।